अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके साथ एक गुड न्यूज़ PM SSS के बारे में जो है वो शेयर करने वाले हैं। कल की जो मीटिंग थी उसका ओवरऑल कंक्लूजन जो है वो इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट ही बनाएंगे हम। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक है, वहाँ से जाकर आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाए ताकि PM SSS के बारे में जो भी अपडेट होगा वो हम आपको वहाँ से भी देंगे और चैनल पर भी जो है देंगे। या कोई भी डाउट कन्फ्यूजन आपका हो तो आप हमें वहाँ पर्सनली भी कॉल या मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास प्रोफेसर अनिल सरसबूदे सर की एक मेल का रिप्लाई है, स्टूडेंट एक ने मेरे साथ शेयर किया। तो कल जो मीटिंग थी मैंने कल भी उस पर वीडियो बनाया था कि कंक्लूजन जो है वो क्लियर हो गया है इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह का, लेकिन अपडेट जो है वो जल्दी दिया जाएगा कि रजिस्ट्रेशन जो है वो PM SSS जो एक्सटेंड हुआ है 5 साल के लिए और या नहीं, और उसमें चेंज जो भी होंगे वो सब डिस्कस कर दी जाएंगी। तो आज 9 बजे जो है रिप्लाई एक आया है मेल का AICT चेयरमैन की तरफ से, तो वो इस वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें अच्छे से पढ़ें, द मीटिंग हेल्ड इन द मिनिस्ट्री यस्टरडे हैज़ डिसाइडेड टू कंटिन्यू एंड अनाउंसमेंट विल बी मेड एज सून एज मिनट्स आर ऑलरेडी। तो इसका मतलब ये है कि जो मीटिंग थी मिनिस्ट्री लेवल की रात को, तो उसमें जो है डिसाइड कर दिया गया है कि PM SSS जो है वो कंटिन्यू कर दिया जाएगा फर्दर 5 साल या 6 साल के लिए। वैसे 5 साल के लिए ही ये इसका होता है, 5-5 साल स्टेप वाइज होता है, जो भी स्कीम होती है वो 5-5 साल के लिए होती है। और अनाउंसमेंट जो है वो जल्दी रिलीज़ कर दी जाएगी, ऑलरेडी जो है वो लेट हो गए हैं विद इन, मतलब इसी हफ्ते में कल परसों तक जो है होपफुली अनाउंसमेंट जो है वो में अवेलेबल हो जाएगी पोर्टल पे। चांसेस ज़्यादा है आज या कल हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी सारे वीडियोस में मैंने आपको दिखाया कि रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड जो प्रोसेस हैं वो सब कम्प्लीट हैं, अब बस इनको जो है अनाउंसमेंट ही में लगानी है, बाकी कुछ भी नहीं है। और रजिस्ट्रेशन जो है इस साल एक्सटेंड वगैरह नहीं होती रहेगी, जो रजिस्ट्रेशन की डेट है जैसे लास्ट ईयर आपने देखा कि 3-3, 4-4 महीने रजिस्ट्रेशन चलते रहे, इस साल जल्दी हो जाएगा क्योंकि नवंबर तक जो है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड की जो है पूरी की पूरी सिलेक्शन लिस्ट जो है वो रिलीज़ कर दी जाएंगी। तो यही था आज का कन्फ्यूजन, लेकिन इसमें मैं आपको ये बता दूं कि जो PM SSS था ये एक्सटेंड होने वाला नहीं था क्योंकि चांसेस इसके बहुत कम थे। स्टूडेंट्स ने काफ़ी सारा जो है मतलब सपोर्ट किया हमारे साथ भी, और उन्होंने खुद भी कर दिया, हमने भी उनके साथ कंट्रीब्यूशन किया, चाहे उन्होंने फिर मेल की ग्रेवियंस वगैरह अखबारों में दिया। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स दिन में 10-10 बार जो है वो ग्रेवियंस करते थे JK ग्रेवियंस पोर्टल पर, और मेरे साथ स्क्रीन शॉट्स भी शेयर करते। ये उसी वजह से हुआ कि एक्सटेंड कर दिया गया था, क्योंकि मैं आपको बता दूँ अगर उनको एक्सटेंड करना होता तो अप्रैल मई में ही वो एक्सटेंड कर देते, उनके कोई चांसेस नहीं थे एक्सटेंड करने के, क्योंकि फिर स्टूडेंट्स ने जब इतना हल्ला मचाया इतने ग्रेवियंस वगैरह, क्योंकि सोशल मीडिया का पावर जो है वो बहुत होता है, तभी जो है फाइनली एक्सटेंड हो गया। अब जो भी हुआ सो भी हुआ, एक्सटेंड तो अब हो गया। अभी आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो आप रेडी रख लो, रजिस्ट्रेशन जो है विद इन वीक इस हफ्ते में या नेक्स्ट हफ्ते में डेफिनेटली जो है वो स्टार्ट होने वाली है। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म कर लेते हैं, और रजिस्ट्रेशन के जितने भी स्टेप्स वगैरह होंगे उस पर हम अनाउंसमेंट आने के बाद हम उसमें स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप पे एक एक वीडियो आपको डालते रहेंगे, हर दिन एक एक वीडियो, ताकि आपको कहीं पे भी कोई परेशानी ना आए। तो वीडियो आज का हम यहीं ख़त्म कर लेते हैं, जो भी कन्फ्यूजन डाउट आपका हो तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं।